ये स्टूडेंट्स क्लास एट मैथमेटिक्स के मिड टर्म एग्ज़ाम्स के लिए बेटा आज हम एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि हमारे फर्स्ट टर्म के सिलेबस पर बेस्ड है और बहुत से क्वेश्चन इसमें लास्ट ईयर मिड टर्म में आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, विच इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर। तो हमें पता है, देखिए एक एक टर्म को चेक करेंगे, 225 15 का स्क्वायर होता है, सी 25 का स्क्वायर होता है एंड डी 35 का स्क्वायर होता है। इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 425। आप अभाज्य गुणनखंड करके भी चेक कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे याद नहीं है। अदरवाइज जिनमें इकाई का अंक 5 होता है उनके लिए हमारा फॉर्मूला आपको पता ही है, बहुत बार हमने ये मेंटल मैथ्स में कर चुके हैं क्वेश्चन। दहाई के अंक को इसके एक से ज़्यादा से गुणा कर दोगे, एक को दो से गुणा करोगे, कॉर्नर पर हमेशा 25 आता है और एक को दो से गुणा करके 225 बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 के इसके अगले नंबर से 3 से गुणा करेंगे, 6 और 7 में 25 आएगा ही आएगा, तो हमें पता चल गया ये 25 का स्क्वायर है। ऐसे यहाँ 12 है, कॉर्नर पे तो 5 आएगा ही, 12 का मतलब है 3 है हमारे पास और 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 बन गया। यहाँ हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसको दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो और आपस में गुणा करें तो 4 मिल जाए, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर ये नंबर नहीं है। निम्नलिखित में से क्या सही है, विच वन इज़ करेक्ट। 10 × 10^11, तो गुणा करने पर घातें जमा हो जाती हैं, तो 11 और 1 12 होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही इन्होंने आपस में 10 से 10 को गुणा कर दिया, गलत है। 2 × 3 और 3 × 2 6 कर दिया और पावर को प्लस कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। 3 × 0 1 होता है और किसी की भी घात 0 हो हमेशा आंसर 1 आएगा, तो ये सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए, 4 समकोण वाले सभी चतुर्भुजों के नाम लिखिए, तो या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, है ना। इनमें हमें मैचिंग करनी है, तो सबसे ऊपर हमें वर्ग दिखाई दे रहा है, वर्ग से मिला दिया, फिर आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हैं बराबर भी हैं, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद ये काइट है आपके पास और नीचे समलंब चतुर्भुज जिसमें सिर्फ एक ही पेयर समांतर होता है, भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। आयुष की आयु x वर्ष है, आयुष और उसके पिता की आयु उसकी आयु के दुगने से 7 वर्ष है, मतलब अगर उसकी x है तो पहले इसका दुगना करा 2x और जमा 7, 7 अधिक है क्योंकि, तो फादर की एज कितनी हो गई, 2x प्लस 7 ईयर्स। नेक्स्ट इसे सॉल्व करना है 0.25, तो दिस इज़ वेरी इजी, 0.5 का वर्ग है ये। 2 की पावर 10 किसके इक्वल है, तो 2 की पावर 10 को आप सॉल्व करके देखेंगे, 20 नहीं हो सकता, 200 नहीं हो सकता, इतना भी नहीं हो सकता, सॉल्व करके हमारा आंसर बनेगा 1024। बहुत इजीली आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, छोटा नंबर है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। पूरक कोणों का युग्म कौन सा है, पूरक का टोटल 90 डिग्री होता है और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं बेटा, ये 90 डिग्री टोटल होना चाहिए, अगर संपूरक होता है ना, सप्लीमेंट्री होता तो 180 चेक करते, तो अब हमें 90 देख लेना है कहाँ पर बन रहा है, 20 और 70 बी पर बन रहा है। दी गई आकृति में एक्स का मान बताइए, तो आपको एक कोण एक्स दे गया है और ये पंचभुज है, पंचभुज कोई भी आपके पास बहुभुज हो हमेशा उसमें जितने त्रिभुज बन रहे हैं उनको 180 से मल्टीप्लाई करके हम कोणों का योग पता कर लेते हैं। अब इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, किसी भी एक पॉइंट से त्रिभुज बनाना शुरू करेंगे, देखो इसके एक पॉइंट से मैंने लाइन मिलाया, यहाँ पे त्रिभुज बन गया और यहीं से यहाँ पे भी मिलाया, किसी और पॉइंट से नहीं, सभी जगह पॉइंट से नहीं मिलाने, किसी एक ही पॉइंट से आप देखोगे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो हमारे कितने बन गए, 1 2 3 तीन त्रिभुज बन गए, इसका मतलब इसके तीनों कोणों, इस तीनों त्रिभुजों का कोण का योग कितना होगा, 180 180 180, यानी कि 3 × 180 और सारे कोण उसने एक्स बोले हैं, तो कितने एक्स हो जाएंगे आपके पास, 1 2 3 4 5 एक्स, 5x बराबर 3 × 180। अब सॉल्व कर लेंगे इसे, x बराबर 540/5 = 108 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु बहुभुज के अंतः कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं। अब 9 भुजाएं हैं तो इसका मतलब इसके त्रिभुज कितने बनेंगे, मैंने आपको बताया था अभी, 9 में से 2 घटा देंगे। कोई भी बहुभुज हो उसकी जितनी भुजाएं हो उसमें से 2 घटा दो उतने त्रिभुज बन जाएंगे उसमें से। तो इसका मतलब इसमें बने त्रिभुज, फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा n-2 × 180, इसमें 7 त्रिभुज बनेंगे और 7 को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे हमने वहाँ 5 में से 2 घटा के 3 से गुणा कर दिया था। सॉल्व कीजिए, √4 − √9 − √16, तो आप पहले अलग से लिख लेते हैं, √4 2 √9 3 √16 4। अब केयरफुली वैल्यूज रख देंगे, 2 − 3 − 4 2 − 7 − 5। 5625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे आप, बहुत बार हमने ये क्वेश्चन करे हुए हैं, ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। अब दो दो के जोड़े बन जाते हैं तो 1 5 1 5 और 1 3 आपका आंसर बन जाएगा। (5 × 5 × 3) = 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथागोरस त्रिकोण में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ट्रिपलेट इसने दिया है 6 8, आपको बेसिक ट्रिपलेट सबको याद होना चाहिए, 3 4 5 का, यहाँ दुगना कर दिया गया है तो 6 8 10 हो जाएगा। (x + 1 = 10, (x = 1) उधर जाके घटा हो गया 9। सॉल्व करना है इक्वेशन का क्वेश्चन, 15/4 × 7x = 9। तो 15/4, ये 9 नंबर है बेटा, 9 को हमने इधर इसके पास ही ले जाके घटा कर दिया और 7x को दूसरी तरफ ले जाके जमा कर दिया। लाइक टर्म्स इकट्ठे करेंगे ना पहले हम, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा और ऊपर क्रॉस करके नीचे आपस में गुणा कर देंगे, 4 आ गया, इधर आ गया 7x। 15 × 36, ध्यान से सॉल्व करना है, (+21) बचा। अब 7 यहाँ गुणा हो रहा है, 7 इधर जाके भाग हो जाएगा, (+3/4x = (+3/4). नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से इक्वेशन है, पहले ब्रैकेट खोलेंगे, 3m − 9 = 10m + 5। 5 को इससे भी गुणा करना है, इससे भी गुणा करना है, ऐसे 3 को m से भी और (+3) से भी। अब m वाली टर्म्स एक तरफ कर लेंगे, 3m − 10m, इसके आगे जमा का निशान है कोई नहीं है तो ये इधर जाके घटा हो गया, और (+9) को इधर लेके आएंगे जमा हो जाएगा। यहाँ पे 3 में से (+10) कर रहे हो आप, (+7) बचेगा, ध्यान से करना है बेटा सारा काम, यहाँ 14। अब m को हमने यहीं रखना है, (+7) और ये m क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, इसलिए (+7) इधर जाके भाग हो गया, (m = (+2)। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या बताइए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से पूरी भाग हो जाए, (divisible by 8, 15, and 20) स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, अब देखो हमारे पास क्या आ गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, यानी कि 120। अब आप देखो किसका पेयर नहीं बन रहा, हमें वर्ग संख्या बनानी है तो किस किस का पेयर नहीं बन रहा, यहाँ पे 2 का बन गया पेयर, इसका काम ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये 2 ये अकेला है, 1 3 अकेला है और 1 5 अकेला है, तो मुझे इसका जोड़ा बनाना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी, यानी कि 2 से गुणा करना पड़ेगा 3 से और 5 से भी, इसका मतलब टोटल 30 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 120 को 30 से गुणा करके हमें मिल गया 3600, जो कि किसका वर्ग है, 60 का वर्ग, तो वो संख्या 3600 है बेटा, जिसको कि हम इस तीनों टर्म से डिवाइड कर सकते हैं और जो कि एक स्क्वायर नंबर भी है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, इन फिगर दिस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल आयत है और इसके ये 2 विकर्ण दिए गए इस तरीके से, इसके विकर्ण बराबर होते हैं, इसका मतलब 2x + 5 = 15 के। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इक्वेशन बन गई, सबसे पहले 5 उधर जाके घटा हो गया, अब 2 गुणा हो रहा है तो 2 भाग हो गया उधर जाके, (x = 5), x की वैल्यू हमें बतानी थी, ये हमारा आंसर बन गया 5। एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तो पहली संख्या हमने मान ली x, तो दूसरी इसकी दुगनी है यानी कि 2x है, 2 से गुणा कर दिया, उनका योग 15 है, इनको जमा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 15। अब 2x जमा 3
एक एक्स 3x हो गए, x बराबर 15/3 यानी कि 5। पहली संख्या 5 है, छोटी संख्या 5 हो गई और दूसरी संख्या 10। नेक्स्ट फिर से समांतर चतुर्भुज है, इसके सभी कोणों का माप बताइए। एक तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, एक ये एकांतर कोण बन रहे हैं क्योंकि ये तिरक रेखा दे रखी है इसमें। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं आमने सामने के कोण बराबर हैं, तो वाई 112। और जो आमने सामने के अलावा जो आसन कोण होते हैं साथ साथ वाले एडजेसेंट एंगल्स, वो 180 के होते हैं। तो ये पूरा मिला के प्लस ये मिला के 180 के हैं। तो यहाँ पे 42 जमा एक्स जमा 112 बराबर 180। अब एक्स आपका आ गया 154, उधर जाके घटा कर देंगे, हमें मिल गया 26 डिग्री। तो x जितना है उतना ही z है क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। रेस्ट इसे पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, x और y की वैल्यू बताइए। तो अभी हमने कह रहा था कि आमने सामने के कोण बराबर है, तो x हो गया 60 डिग्री। और x और y आपको पता ही है, बहुत फैमिलियर एंगल है, रैखिक युग्म लीनियर पेयर दोनों मिला के 180 के हैं। तो y आ गया हमारा 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन x बाई 5 इज इक्वल टू 1/2। तो बेटा x की वैल्यू हमें निकालनी है, पहले आप चाहें तो तिरछी गुणा कर सकते हैं और नहीं तो सीधा हम 5 डिवीजन में 5 इधर चला जाएगा, 5/2 आ जाएगा आपका आंसर। एक संख्या के 8 गुने में, तो पहले तो हमें संख्या माननी पड़ेगी x, अब उसका 8 गुना करना है यानी कि 8x। धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। अब इसमें 4 जोड़ दीजिए जमा 4, तो आपको क्या मिलता है 60, इक्वल टू 60 कर देंगे। बस अब हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, जमा 4 इधर जाके घटा कर देंगे। सबसे पहले फालतू प्लस माइनस जो भी हो रहा होता है वो हटाते हैं, फिर अब ये गुणा हो रहा है 8, अब ये भाग में चला जाएगा। तो 56/8 बराबर 7 आंसर हो गया आपका। सॉल्व 2b/3 माइनस 5 इक्वल टू 3। तो सबसे पहले 5 को इधर ले जाएंगे, जमा कर देंगे। अब b को इधर रहने देना है हमें, 3 भाग हो रहा है, 3 इधर जाके गुणा कर दो। पहले पेशेंस से काम करना है बेटा। अब 2 गुणा में हो रहा था तो अब हमने इसे भाग कर दिया, हमें खाली वेरिएबल की वैल्यू चाहिए है ना, चर जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना है हमें इक्वेशन का। तो यहाँ पे आपको 3 नंबर नीचे दिख रहे हैं, 2, 3 और 6। तो इसका एलसीएम लेते हैं नीचे वालों का। 2, 3, 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि ये इन दोनों का मल्टीपल है ना। तो जो मल्टीपल होता है वही आपका एलसीएम में होता है। अब नीचे वाले से भाग करोगे 6 को, 2 से भाग किया 3 आया, 3 से ऊपर गुणा कर दिया 3x जमा, अब 3 से भाग किया 2 आया, 2 से गुणा कर दिया 2x। अब 6 को 6 से भाग किया 1 आएगा, 1 को x से गुणा किया x ही रह गया। नीचे एलसीएम लिखना है 6, अब 6 को इधर ले जाएंगे गुणा कर देंगे, ऊपर कितने x हो गए 6x और नीचे 6, 6 से 6 कट गया, x बराबर 1 आंसर। 343 का घनमूल ज्ञात कीजिए, क्यूब रूट ऑफ 343। प्राइम फैक्टर करेंगे, 7 से डिवाइड होता है बस, ये और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। 3 बार 7 आ रहा है, 3 3 का कॉम्बिनेशन बनता है, सो इट इज़ ए क्यूब रूट ऑफ 7। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 243 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। प्राइम फैक्टर करेंगे आप, 3 से भाग हो सकता है। अब 3 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो ये तो बन गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही बार 3 आ रहा है, हमें 1 3 से और गुणा करना पड़ेगा। तो वही हमारा आंसर बन गया कि वह छोटी से छोटी संख्या 3 है जिससे 243 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।